सारी व्यवस्था होती है बढ़िया, यहाँ जयमाल करवाया और बाद में रात में लिखा कि विवाह कर दिया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इतना दिमाग लगाते ही नहीं। एक व्यक्ति का, एक गरीब आदमी का खर्चा बच जाएगा। तो संस्था से जुड़िए और कार्य कीजिए, और कार्य करने के लिए हम बताएंगे तब। ऐसे तो आप घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी से जुड़ेंगे ना तो वो आपको काम बताएंगे, ऐसा ऐसा करिए समाज के, तब आप कुछ कर पाएंगे। कहते हैं ना कि हनुमान जी महाराज अपनी शक्ति भूल गए, लेकिन शक्ति को उनको याद दिलवाया गया तो वो समुद्र पार कर गए। तो वैसे ही आप लोग अपनी जो शक्ति को भूले हुए हैं ना, कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उन शक्तियों को आपको याद दिलवाया जाएगा हमारी संस्था से जब जुड़ेंगे, और तब आप बहुत कुछ कर पाएंगे समाज के लिए। तो आइए, हमारी माता जानकी जी का विवाह होता है और विदाई होती है, और विदाई के बाद अयोध्या जी जब पहुँचते हैं तो अयोध्या जी में सुंदर उनका स्वागत होता है। और आइए एक छोटा सा भजन हमारे भैया विदाई गीत गाएंगे, और उसके बाद आगे की कथा। जाओ बिटिया, जाओ बिटिया मेरे आंगन की, जब अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते हैं, बड़ा ही सुंदर संस्कार अपनी बिटिया को देते हैं, हम कहते हैं क्या, सास ससुर की सेवा करना भगवान रूप में पति को ही मानना, सास ससुर की जाओ बिटिया मेरे
किया प्रकार से जब राजा रामचंद्र भगवान माता जानकी को लेकर सभी बराती वापस अयोध्या जी आते हैं, अयोध्या में खूब धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है। इधर अयोध्या जी में जब वे माता जानकी आई, सुंदर भव्य दिव्य स्वागत हुआ और बाबा तुलसी लिखते हैं, जानकी जी की जब मुंह दिखाई होती है ना महाराज, और जब जानकी जी को उनकी जो सासू माँ लोग जो है उनको देखती हैं और देखती हैं तो कहती हैं कि इतनी सुंदर इतनी सुकोमल हमारी जानकी जो हैं, वे इतनी सुकोमल थी कि वो पुष्प भी छूती थी ना तो वो हाथों पे लालिमा छा जाती थी, लाल हो जाता, इतनी सुकोमल। तो सभी ने कुछ ना कुछ मुंह दिखाई में दिया और कहते हैं कि जो कैकेयी जी हैं ना, उन्होंने मुंह दिखाई में सोने का महल दिया। जो आज भी अयोध्या जी जाए हैं तो कनक भवन के रूप में विराजमान है। आज भी कनक भवन में हमारे राम लला, हमारे राम, राजा राम और माता जानकी जी विराजमान हैं और उनकी प्रतिमा को आप निहारेंगे ना महाराज, ऐसा लगेगा कि वो अब बोल देंगे, मुख अब खोल कर अब बोल देंगे, इतने सुंदर हैं हमारे श्री राघव जी। हमारे श्री राघव जी और सभी नगरवासी बहुत ही अच्छे से वहाँ पर सुंदर निवास करने लगते हैं। थोड़ा समय बीतता है और थोड़ा समय बीतने के बाद कहते हैं ना कि जीवन में जब सुख होता है तो दुख भी अवश्य आता है, घबराना नहीं चाहिए आदमी। प्रभु जन्म लेकर यही तो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी जब मनुष्य तन को प्राप्त करता हूँ तो मुझे भी कष्ट सहना पड़ता है, तो आप घबराओ मत,
चिंतित मत हो, परेशान मत हो। मैं भी जब मनुष्य बनता हूँ तो मुझे भी कष्ट होता है, मैं भी परेशानियों को झेलता हूँ। और इसीलिए प्रभु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। कहते हैं कि जब सुख होता है तो दुख अवश्य आता है। इधर श्री वशिष्ठ जी महाराज जो हैं और श्री वाल्मीकि जी महाराज जो दोनों गुरु हैं, ये श्री दशरथ जी महाराज को कहते हैं कि महाराज अब तो राघव राम जी का विवाह भी हो गया है, अब इनका विवाह भी हो गया है, अब इनका राज्याभिषेक करवाइए। आप तो अब बूढ़े हो गए हैं, आप कितने दिन तक अब राज्यपाट संभालेंगे? राम जी बड़े हो गए हैं, उनका विवाह हो गया है, अब आप उचित समय भी आ गया है, आप उनका जल्द से जल्द राज्याभिषेक करवा दीजिए। क्योंकि वाल्मीकि जी को पता था कि अब क्या होने वाला है और वे चाहते थे कि चीजों को बदल दे, लेकिन वही है सोई जो राम रथ राखा, होगा वही जो राम जी ने रथ रखा है। वाल्मीकि जी चाहते थे कि उन लिखी हुई चीजों को जो होने वाला है उन चीजों को हम बदल दें, लेकिन भगवान जो चाहेंगे उसको कोई बदल सकता है? महाराज इधर दशरथ जी महाराज को जब ये बात वो लोग कहते हैं भी बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और सुंदर राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगती है। अयोध्या जी को पूरा सुंदर सजाया जा रहा है, दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है, सुंदर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, सभी जो है तैयारी कर रहे हैं। इधर भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज ननिहाल गए हैं अपने न्योता देने, इस बात का कि हमारे राम जी हमारे बड़े भैया राज्याभिषेक होने वाला है, आप सभी पधारी। इधर भरत जी जैसे ही ननिहाल गए, इधर दशरथ जी के महल में एक दासी रहती थी, एक दासी रहती थी जिसका नाम था मंथरा। और कहते हैं कि जिसका जो नाम होता है उसके ऊपर उसके नाम का प्रभाव जरूर होता है। अगर नाम जैसे बाबा भोलेनाथ का शिव महापुराण में देखा जाता है कि जब बाबा भोलेनाथ का अवतार हुआ ना, जन्म लिए तो वो रो रहे थे, रुदन कर रहे थे, तो उनका एक नाम रुद्र है। भगवान भोलेनाथ का नाम है ना रुद्र, है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? भगवान भोलेनाथ का एक नाम रुद्र है क्योंकि वो भी रोते हुए प्रकट हुए थे, लेकिन उनका एक नाम महादेव भी है। महा मतलब हृदय से इतने महान हैं, इतने बड़े हैं कि जो भक्त जैसा चाहता है उसको वो दे देते हैं। जानते हैं कैसे? एक बार एक चोर मंदिर में जाता है, कैसे वो चोरी करने गया हुआ था, चोरी करता वो पकड़ा गया तो वो भागने लगा, आगे आगे चोर पीछे पीछे सैनिक, और वो भागता जाए छुपने का कोई जगह ही नहीं, तो रात में बाबा भोलेनाथ के मंदिर में घुस गया। अब मंदिर में घुसा तो वहाँ छुप गया, चोर सोचते हैं कि मंदिर में थोड़ी ना जाएगा, भाग क्या होगा इधर उधर। अब पूरी रात जो मंदिर में ही रात, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकले और सैनिक पकड़ ले, तो रात भर नहीं निकला। अब वही विचार करे अब यहाँ से कुछ चुरा ले, मंदिर से कुछ चुरा ले जिससे कुछ लाभ हो जाए। अब महाराज मंदिर में देखे बाबा भोलेनाथ के, तो बाबा भोलेनाथ के मंदिर में कुछ नहीं होता है, उनके मंदिर में कुछ नहीं होता, एक घंटा जरूर लटका रहता ऊपर। महाराज अब वो देखता है चारों तरफ कुछ तो है नहीं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, गेट भी नहीं होता है बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, गेट भी नहीं होता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे गेट की भी आवश्यकता नहीं, भाई रात में बंद कर दोगे तो भूत प्रेत कहाँ जाएंगे, वो भी हमारे चेले हैं जिसका कोई नहीं सहारा है, वो उसके सहारा में हूँ। अब भगवान भोलेनाथ के ऊपर देखता है मंदिर में, ऊपर की ओर देखता है कि घंटा लटका हुआ है। अब विचार करता है कि ये घंटा कम से कम 2-4-10 किलो का तो होगा ही, अगर इसको मैं बाजार में बेच दूँ तो कुछ तो पैसा आएगा ही, उस पैसे से 2-4 समय का भोजन तो हो ही जाएगा,
अब वो विचार करे कि कैसे उतारे घंटा, अब सामान देके तो कुछ है ही नहीं, घंटा उतारेंगे अगर इधर उधर से उचक उचक कर उतारेंगे तब घंटा बजने लगेगा, और बजेगा घंटा तो पुजारी जी जग कर आ जाएंगे और वो तोड़ाई करेंगे कि पूछो मत। अब वो बेचारा विचार कर रहा क्या करें क्या करें, तो सोचता है मन में कि हमने सुना है कि बाबा भोलेनाथ भांग पीते हैं, अब भांग पी के रात में तो सो जाते होंगे, जैसे एक शराबी शराब पी लेगा तो शराब पीने के बाद उसको चार थप्पड़ मारो या चार गाली दो या चार डंडे मारो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं चलता, तो वो ऐसे ही सोचता है। जिसकी जितनी बुद्धि होती है ना महाराज वो उतना ही सोचता है। अब वो चोर सोचे कि देखो अगर थोड़ी सी भी गलती करी तो पुजारी जग जाएगा, वो मारेगा, इधर भगवान भोलेनाथ तो भांग पी के सो रहे होंगे, वो तो जगने वाले नहीं। वो क्या करता, भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही चढ़कर और शिवलिंग आराम से उतारने लगता है। इधर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, अब जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए इधर चोर थर थर कांपने लगा, हे राम अब तो श्राप मिला, अब तो तीसरा नेत्र खुला, अब तो मैं भस्म हो जाऊंगा, डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। बाबा भोलेनाथ प्रकट होते हैं, कहते हैं वत्स वर मांगो। अब चोर घबराहट के मारे सोच रहा है कि बाबा भोलेनाथ ये तो नहीं कह रहे कि वत्स, बताओ तुम्हें मैं कैसे मारूं, घबराहट में डर लग रहा है उसको। तो दोबारा बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि बताओ वत्स वर मांगो, क्या चाहिए। तो कहता प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कीजिए, क्षमा प्रार्थना है, खाने को भोजन नहीं था, मैंने सोचा आप भांग पी के तो सो रहे होंगे, आप तो उठोगे नहीं, मैंने सोचा घंटा उतार लो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज तक इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा भक्त हुआ है तो वो तुम। बोले महाराज कैसे। बोले ऐसे कि सब पुष्प चढ़ाते, जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, सब कुछ चढ़ाते पर खुद को किसी ने नहीं चढ़ाया था आज तक, आज तुमने खुद को चढ़ा दिया, तुमसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता, मांगो वर मांगो। महाराज भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि उनका नाम ही भोले भंडारी पड़ गया। तो नाम का प्रभाव व्यक्ति पर जरूर पड़ता है, इसलिए हम लोग बार बार कथा व्यास मंच से इस मंच से बार बार संबोधित करते हैं कि नाम ढंग का रखो, चंगू मंगू पप्पू बोलू ये सब मत रखा करो, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई ऐसा नाम रखो जिसका प्रभाव, जैसे मेरा नाम है वसुधा, मेरा जो कागज पे नाम चलता है ना वहाँ पे अमिता, मतलब बहुत शक्तिशाली, मतलब पता है शक्तिशाली वाली नहीं थे, पांचवी तक जब मैं पढ़ती थी ना सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, महाराज जी अयोध्या में ऐतिहासिक है, अयोध्या में शिशु मंदिर है, वहाँ पढ़ती थी ना तो कोई अगर इतनी सी भी बात बोल दे तो रोना चालू, इतनी सी भी बात बोल दे तो रोना चालू। छठी में मेरे घर वालों ने नाम एफिडेविट बनाया, नाम रखना चाह रहे थे अमृता, वकील साहब ने अमिता लिख दिया। छठी के बाद आठवीं आते आते मैं अपने क्लास के मॉनिटर थे, इतने दबंग हो गए, बारहवीं तक मॉनिटर रहे, सरस्वती विद्या मंदिर में मैंने पढ़ा है, वहाँ पे है ना शिव दयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर, तो वहाँ पर इतने योग्य हो गए। बताओ जो लड़की पांचवीं तक रोती उसके नाम के ऊपर कुछ तो प्रभाव पड़ा। तो नाम का प्रभाव अवश्य पड़ता है, नाम सोच कर सही ढंग से विचार कर, और ब्राह्मण से विचरवा कर नामकरण संस्कार होता है ना, ब्राह्मणों से रखवाइए, अगर नाम रखेंगे ना तो ढंग का रखेंगे, राम रखेंगे, शिव रखेंगे, कान्हा रखेंगे, राधा रखेंगे, सीता रखेंगे, चंगो मंगू पप्पू बोल नहीं रखेंगे जिसका कोई अर्थ ही ना। और अगर नाम नारायण रखोगे ना तो गलती से भी बच्चे का नाम ले रहे हो तो उन्हें परमात्मा का नाम का उच्चारण हो जाएगा। इधर मंथरा जो है जस नाम तस गुण, मंथरा जो है वो सुनती है और उसको लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे चल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे चल रहा है, कुछ तो खटपट होनी चाहिए। अब वो जो है जाती है कैकेयी जी के पास, कैकेयी जी के पास जाती, क्यों जाती है, सुमित्रा जी के पास भी जा सकती थी, सुमित्रा जी के पास इसलिए नहीं गई कि सुमित्रा जी ने पहले ही कह दिया था कि मेरे जो दो पुत्र होंगे
वो दोनों एक राम के सेवक बनेंगे, एक भरत के सेवक बनेंगे। तो दोनों पुत्रों को तो पहले ही सेवक बना रखा था, राजा बनने योग्य एक भी नहीं थे। अब बचा कौन? बचे भरत जी। तो उनके माता जी के पास गई, कैकेयी जी के पास, और उनको कहा कि आपको पता है आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। बोले मेरे साथ गलत हो रहा है? बोले हाँ आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। बोले क्या गलत हो रहा है? बोले पता है राम राजा बनने वाले हैं। बोले अच्छी बात है, मेरा पुत्र है, मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, और वो राजा बन जाए तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। कैकेयी जी खुशी से फूले नहीं समा रही, आनंदित है महाराज, प्रसन्न चित्त है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मंत्रा कहती है कि अरे रानी, तुम कितनी दयालु हो, तुम कितनी मासूम हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। बोले छल हो रहा है? बोले हाँ। बोले ये बताओ कि तुम्हारे भी एक पुत्र है? बोले हाँ। कहे कौशल्या जी के भी एक पुत्र है? बोले हाँ। तो राम राजा क्यों बनेंगे? बोले वो सबसे प्रिय है, सबसे योग्य है, राजा बनने योग्य है, सबसे बड़े हैं। अन्य बार बार बहुविधि समझावा, बार बार बहुत तरीके से कैकेयी जी को समझाया। कैकेयी जी समझे ही ना। तब उनको कहा कि ये बताओ, आपका पुत्र किसी का दास बन जाएगा आपको अच्छा लगेगा? कैकेयी जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं यही तो तब से समझा रही हूँ, मंत्रा कहती है मैं समझा जा रही हूँ तब से, यही तो समझा रही हूँ कि अगर राम राजा बन जाएगा, और मान लो अभी तो राम जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बाद में राम जी अगर आपसे क्रोध करने लगे, आपसे प्रेम ना करें, तो भरत तो नौकरी बन जाएगा ना, दास बन जाएगा। कैकेयी जी को ये बात चढ़ गई, लग गई दिमाग में। महाराज कैकेयी जी ने कहा ये तो सही बात है, बाद में बदल गए। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, लेकिन मैं कहूंगी कैसे भरत को राजा बनाए, मैं कहूंगी कैसे? उन्होंने कहा, मंदोदरी कहती है कि आप दशरथ जी से कहो, आप दशरथ जी से कहो, वो आपका आपकी बात कभी नहीं काटेंगे। बोले ऐसे कैसे कहें? और मान लो काट गए तो, नहीं माने तो राम राजा बन जाएंगे। तब मंदोदरी समझाती है कि आपको पता है जब आप राजा दशरथ जी के साथ युद्ध लड़ने गई थी, और आपकी वजह से राजा दशरथ जी ने युद्ध पर विजय प्राप्त किया था, तब राजा दशरथ जी प्रसन्न होकर आपसे कहे थे कि मांगो रानी वर मांगो। तब आपने कहा था ना कि बाद में जब उचित समय आएगा तब मैं वर मांगूंगी, आज वह उचित समय आ गया, आज उचित समय आ गया है, आप वर मांगो दशरथ जी से। महाराज कैकेयी जी बात को समझ जाती हैं और जाकर कोप भवन में बैठ जाती हैं। कौन सा भवन? कोप भवन। जैसे घर में कमरे होते हैं ना, ये माता पिता जी का, ये बच्चों का, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, ये मझले बेटे का, ये दादा दादी का, वैसे ही पहले महलों में एक कमरा होता था जहाँ पर लोग क्रोधित हो जाते थे, उस कमरे में चले जाते थे। महाराज कैकेयी जी उस कमरे में गई, राजा दशरथ जी सुबह से हो गया था, कैकेयी जी को देखा ही नहीं, और कैकेयी जी से दशरथ जी को अत्यधिक प्रेम था। अत्यधिक प्रेम क्यों? क्योंकि कैकेयी जी सर्वगुण संपन्न थे, वे युद्ध में परिपक्व थी, सुंदरता में एक नंबर, और हर कार्य को करने में दक्ष थी। तो महाराज सुबह से लेके शाम तक दशरथ जी ने देखा ही नहीं, पूछा दशरथ जी ने दासियों से कि कैकेयी जी कहाँ हैं, तो दासियों ने बताया कि महाराज कैकेयी जी तो आज कोप भवन में है। अब दशरथ जी को लगा कि महाराज ऐसी क्या बात हो गई कि कोप भवन में चली गई, जाना पड़ा उनको। इधर दशरथ जी महाराज दौड़ते भागते कोप भवन पहुँचते हैं कि क्रोधित क्यों हैं, क्यों नाराज हैं, क्यों परेशान हैं। महाराज कोप भवन के अंदर जब गई, कोप भवन का दृश्य देख के पूरा अंधकार छाया हुआ है, कोप भवन में एक भी लाइट नहीं जल रही,
एक भी दीपक नहीं जल रहा है, अंधकार छाया हुआ है। वहां पर कई कई जी बैठी हुई है, साजो श्रृंगार का एक भी वस्तु उन्होंने धारण नहीं कर रखा है, एकदम साधारण वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है और मुख पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कितना बड़ा दुख उनके ऊपर टूट पड़ा है। राजा दशरथ जी जाते हैं, उनके पास बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि रानी आप क्यों दुखी हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। दशरथ जी ने पुनः पूछा कि बताइए तो सही, मुझसे कोई गलती हो गई है या बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आप दुखी हो गई हैं? आप इतनी क्रोधित क्यों हो गई, क्या बात है? बार बार बहुत बार जब पूछा तब कई कई जी ने कहा कि आपको याद है एक बार हम युद्ध लड़ने गए थे, बात यहीं से प्रारंभ किया। बोले आपको याद है एक बार हम युद्ध लड़ने गए थे, इसमें मेरी वजह से आपने विजय प्राप्त किया था? राजा दशरथ जी ने कहा हाँ बिल्कुल याद है। बोले आपको याद है आपने उस वक्त कहा था कि आपने मुझे वचन दिया था कि आपसे जब मैं चाहूँ तब दो वर मांग सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल याद है, मांगिए वर क्या चाहिए। तब हमारी श्री दशरथ जी से वर मांगती है, बाबा तुझसे लिखते हैं पहला वर मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पहला वरदान वो मांगती है कि मैं चाहती हूँ कि राम तपस्वियों का वेश धारण करे, तपस्वियों का वेश धारण करे। जिस प्रकार से तपस्वी योगी मुनि रहते हैं उस प्रकार से राम रूप धारण करें, उस प्रकार से 14 वर्षों तक वे वनवासी के रूप में जीवन व्यतीत करें। महाराज राजा दशरथ ने जैसे ही वर को सुना स्तब्ध रह गए और स्तब्धता के कारण ऐसा लग रहा है कि मानो दूसरा वर सुनने योग्य ही नहीं रह गए। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, दूसरा वर क्या है ये पूछने योग्य भी नहीं रह गए। आज राजा दशरथ कि आप ऐसा क्यों चाहते हो ये मन में उनके चल रहा है, लेकिन कैकेयी जी से कह नहीं पा रहे हैं। महाराज दूसरा वर मांगते हैं